आपकी आंखें वीक है तो आप सर्दियों में सबसे ज्यादा हरी सब्जी और गाजर का सेवन करो। ऐसा नहीं है कि आंख की नजर कम हुई और आपने हरी सब्जियां खाई, गाजर खाई तो सब कुछ ठीक हो। हरी सब्जियां गाजर स्पेसिफिक प्रॉब्लम ठीक कर। सन गेजिंग करने से जो आंखें हैं, जो मांसपेशियां हैं, मजबूत हो जाएंगी। सन गेजिंग को गलती से भी नहीं करना है। एक कलर ब्लाइंडनेस भी बहुत सुनते हैं आते कॉमनली, तो उसका कारण क्या होता है? बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि कलर ब्लाइंडनेस का आज तक कोई इलाज नहीं है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में आपके साथ मैं हूं आमिर खान। हर बार की तरह एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज का पॉडकास्ट भी बेहद खास आप सभी के लिए होगा, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आपकी आंखों को लेकर। जो इतनी खूबसूरत आंखें आप सभी की, इनको और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बनाया जाए, आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। हमारे साथ i7 से डॉक्टर राहिल चौधरी जी हैं, जो पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें आज आंखों से रिलेटेड बताने वाले हैं। तो डॉक्टर राहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू आमिर, एंड थैंक यू टीम ट्रिपल ए, एंड थैंक यू टीम साधना फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। And like Amir has correctly said, ki eyes are the windows to the soul. So, आँखों का ध्यान रखना और आँखों को सुंदर रखना बहुत important. बहुत जरूरी। आप बताएं कैसे हैं आप सबसे पहले तो? Very well. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, and it's a very energetic day. Thank you so much. Thank you so much. आप इतना प्यार हमें शुरुआत में दे रहे हैं इस प्रोग्राम में, पॉडकास्ट में। बहुत कुछ जानना है आज आपसे हमें। सबसे पहले शुरुआत हम अपनी आँखों से ही कर रहे हैं, जिन्हें खूबसूरत हम बनाना चाहते हैं, और ये है भी, लेकिन कहीं कुछ खामियां हो जाती हैं जिसमें गड़बड़ हो जाती है। सबसे आंखों पे खूबसूरती के ऊपर जब आप वो चश्मा पहन लेते हैं, वही तो सारी प्रॉब्लम। देखिए, पहला सवाल मेरे से ही जुड़ा हुआ है सीधा राहिल जी। चश्मा है मेरी आंखों पे भी बहुत बड़ा। आखिर क्यों, क्या कारण है चश्मा लगने का? आमिर जी, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताता हूँ कि आंख में चश्मे का नंबर होना सबसे कॉमन एंड सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, अनइमेजिनेबली भी बड़ा हो चुका है जी। आप देखिए कंट्रीज जैसे चाइना जी, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, यहाँ पे करीब 70-80% बच्चों की आंख में ऑलरेडी चश्मा। बिल्कुल। सेम ट्रेंड इंडिया में भी आ रहा है जी। और 70% एडल्ट्स जी, 100 में से 70 लोगों की आंख में चश्मे का नंबर है इंडिया में, भारत के अंदर भी। इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडियन स्टैटिस्टिक्स से। और उनको चश्मे का एक्सेस तक नहीं है, उनको मिलता भी नहीं है चश्मा जी। तो वो आधी जिंदगी तो अपना हैंडीकैप होके जी रहे हैं जी। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि चश्मे का नंबर चढ़ क्यों रहा है? बिल्कुल। और हम देखते थे जैसे 10 साल पहले जब हम लोग स्कूल में होते जी, तो हम देखते थे कि 50 लोगों की क्लास है तो 5 या 6 बच्चों मैक्सिमम मैक्सिमम जी। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं 50 लोगों की क्लास में ऑलमोस्ट 25-30 बच्चों को और एक अभी अभी इतनी बड़ी रिसर्च हुई है जहां पे अमेरिका और यूरोप के आई डॉक्टर्स इंडिया में आए और दिल्ली में बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में गए और वहां पे उनको ये मिला कि हर एक बच्चा जो चश्मा पहन रहा है जी, उसके साथ एक ऐसा बच्चा है जिसको पता भी नहीं है कि उसकी आंखों चश्मे का नंबर। अच्छा। तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड हो गया इस प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले समझते हैं क्यों आ जाता है चश्मे का। देखिए, चश्मे का नंबर आता है अगर हमारी आई बॉल का जो साइज है जी, वो लंबा हो जाता है। अच्छा। ओके। तो हर 1 मिलीमीटर जो हमारी आई बॉल का साइज 1 इंच होता है जी, 1 मिलीमीटर आई बॉल का साइज बड़ा और आंख में 3 नंबर का चश्मा चढ़ गया। Okay. 3 नंबर का सीधा कैलकुलेशन जी। क्यों चढ़ रहा है नंबर? पहला कारण तो होता है जेनेटिक्स जी, कि अगर हमारे पेरेंट्स की आंख में चश्मे का नंबर है तो एक हाई चांस है कि बच्चों को हो सकता है। पर जेनेटिक्स तो कई सालों से, हजारों सालों से, तो अब ऐसा क्या हो गया? तो 2 कारण जो है बड़े मेन सामने आ रहे हैं जी। पहला रीजन आ रहा है ये जो एक्सेसिव काम हो रहा है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है। तो हमारी आई जो है ना, ये ऊपर वाले ने बेसिकली दूर का देखने के लिए बनाई है। बिल्कुल। अब जब एक इंसान मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पे ज्यादा देर काम करता है तो हमारे ब्रेन को ऐसा सिग्नल मिलता है कि पास का देखना इंपॉर्टेंट है और दूर का देखना जरूरी है। ओके। तो हमारी बॉडी आंखों में इस तरह के चेंजेस करती है, उसको लंबा कर देती है। जब आई लंबी होगी तो पास का देखना आसान हो जाएगा जी। लेकिन दूर की नजर धुंधली हो जाएगी, चश्मा लग जाएगा। तो पहला रीजन एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल कंप्यूटर। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन दिख रहा है कि इन एडुकेट सनलाइट या आउटडोर एक्सपोजर। हाँ जी।
क्या होता है जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमारे आई में रेटिना में कुछ इस तरह के केमिकल्स डोपामीन तरह के कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो आई को इलोंगेट होने से रोकते हैं। तो जब सन एक्सपोजर कम हुआ तो वो केमिकल्स आंख में रिलीज नहीं हुए और आंख जो है वो लंबी हो गई। तो आप ये देखिए सिंगापुर और ताइवान जैसी कंट्रीज में इन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए मैंडेटरी कर दिया कि 2 से 3 घंटे बाहर जाके आउटडोर धूप में खेलना ही खेलना है। अच्छा, मैंडेटरी कर रहा है, मैंडेटरी कर दिया क्योंकि उनके तो 90% बच्चों की आंख में चश्मा चढ़ गया, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम को रोके कैसे। जी, लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा हो नहीं पा रहा ना, हम यहाँ बात करते हैं पूरा दिन हमारा देखिए सन का एक्सपोजर पूरा है बट लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं रहा ना कि हम बाहर रह पाए। अब नहीं, वो ही प्रॉब्लम हो रही है। देखिए जब हम छोटे थे तो हमारी स्कूल के बाद ये रूटीन होती थी कि 5-6 बजे पार्क में चले जाना, क्रिकेट बैडमिंटन खेल, खो-खो खेल, टापू खेल, पिट्ठू खेल, बिल्कुल जी। पर अब वो सब खत्म हो गया जी। अब वापस आते हैं, उनको होमवर्क भी लैपटॉप पे करना है, आईपैड पे करना है, पूरे दिन घर के अंदर आर्टिफिशियल लाइट में काम करना है, प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है स्क्रीन टाइम की वजह से, तो बहुत से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ब्लू कट जो चश्मे होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, तो उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कि क्या ब्लू कट फिल्टर ग्लासेस, ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस का कोई साइंटिफिक रोल है? जी देखिए, ब्लू लाइट ग्लासेस का कोई भी साइंटिफिक रोल नहीं मिला आज तक किसी भी रिसर्च में। अच्छा, नहीं आया साइंटिफिक रिसर्च में आज तक एक बारी भी ऐसा नहीं मिला कि ब्लू लाइट का कोई साइंटिफिक एडवांटेज। ब्लू लाइट का चश्मा पहनना क्यों है? पहले तो ये क्या कॉन्सेप्ट है जो आप किसी को ब्लू लाइट पहनाना चाहते हैं? देखिए ब्लू लाइट फिल्टर क्या करता है कि हमारी आंख में जो लाइट आ रही है उसको, उसमें जो ब्लू वाली फ्रीक्वेंसी है उसको कुछ हद तक फिल्टर आउट करता है। तो इस ब्लू लाइट का हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्यों हम इसको फिल्टर करना चाहते हैं, इससे फायदा क्या होगा? जी बिल्कुल। तो हमारी बॉडी का ना एक स्लीप वेक साइकिल है। हाँ जी। और ये जो स्लीप वेक साइकिल है ये ब्लू लाइट हमारा कंट्रोल करता है। तो जब रात के टाइम सूरज ढल जाता है, आसमान में ब्लू लाइट कम हो गई जी, जब ब्लू लाइट कम होती है तो हमारी बॉडी को सिग्नल जाता है कि रात हो गई। बिल्कुल। तो ब्लू लाइट की कमी से हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, वो बढ़ता है जी, और हमें नींद आ जाती है जी। और जब हम सुबह उठते हैं जी, सूरज उगा हुआ है, आसमान में ब्लू लाइट है, ये ब्लू लाइट हमारी आंख में जाती है, मेलेटोनिन हार्मोन कम हो जाता है, बॉडी में फुर्ती आती है, बॉडी एक्टिव होती है, काम पे निकल जाते हैं। अब क्या हो रहा है, जब रात के टाइम आप मोबाइल को देख रहे हैं जी, तो उस मोबाइल स्क्रीन से भी ब्लू लाइट निकल रही है जी, और जब वो ब्लू लाइट हमारी आंख में जा रही है तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिल रहा है कि भाई अभी तो दिन का समय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेलेटोनिन रिलीज नहीं हो रहा जी, तो नींद नहीं आ रही। तो आप देख रहे हैं जो लोग स्क्रीन पे काम कर रहे हैं वो 2-3 बजे सोते हैं जी, ठीक से नींद नहीं आती, सुबह आलसी होके उठते हैं, थके रहते हैं। करेक्ट। तो ये ब्लू लाइट फिल्टर बनाया गया था कि भाई अगर आप उसको पहन लोगे जी तो ब्लू लाइट फिल्टर हो जाएगी, तो वो जो स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो रही है वो कुछ हद तक ठीक हो जाएगी जी। लेकिन आजकल तो हर इंसान के फोन लैपटॉप में ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप उसको ऑन कर लो तो प्रॉब्लम खत्म जी। तो अब रात को ब्लू लाइट पहनने का रोल तो खत्म हो जी। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम ब्लू लाइट चश्मा पहन के रखेंगे तो हम स्क्रीन पे काम करते हैं हमारी आंखें थकेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे को भी ये बताया गया था कि ब्लू कट अगर आप पहनेंगे तो लाइट्स का इफेक्ट आप बचेगा, स्क्रीन टाइम आप कितना भी यूज करते हैं इफेक्ट नहीं, बट शायद अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा। और अक्सर यही होता है कि एक इंसान लैपटॉप पे कंप्यूटर पे मोबाइल पे काम कर रहा है, काम करते करते आंखें थक गई, बिल्कुल उसके पास एड आई कि ब्लू लाइट फिल्टर पहनो जी 12 घंटे काम करो, वो खरीद के पहन जी। बिल्कुल। लेकिन ब्लू लाइट फिल्टर का आंखों के थकने से कोई लेना देना नहीं है जी। एक इंसान की आंख जब वो लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करता है तो क्यों थक जाती है? देखिए क्या हो रहा है कि जब हम दूर का देख रहे हैं जी, तो हमारी मसल्स रिलैक्स्ड है आंखों में, ठीक, क्योंकि जैसे मैंने बताया ऊपर वाले ने आंख बनाई दूर दूर के लिए, ठीक है। और जब हम पास का देखते हैं तो हमारी आंखों की मसल्स को काम करना पड़ता है जी। तो जब मैं पास का देखूंगा तो पहले तो मेरी आंखों की मसल्स को आंख को मोड़ना पड़ेगा अंदर की तरफ,
और मेरे आंख के लेंस से भी कुछ मसल्स जुड़ी हुई हैं, जी वो भी अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेंस मोटा होता है और पास का फोकस होता है, जी जी। तो जब आप लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और लंबे समय तक मसल्स आपकी काम कर रही है, तो कुछ टाइम बाद मसल थक जाती है, जी बिल्कुल। और मसल थक जाएंगी तो आपको सिर दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा, तो इसका सोल्यूशन ब्लू लाइट फिल्टर नहीं है, इसका सोल्यूशन है कुछ सर्टेन तरह के आपको स्टेप्स फॉलो करना। जैसे कि सबसे पहला स्टेप है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है एक दो घंटे काम करके आंखें थक गई, तो भैया डॉक्टर के पास चले जाओ, ठीक है, क्योंकि मसल्स कमजोर हैं, मसल की चेकिंग होनी है, मसल्स की एक्सरसाइज होगी, वो ठीक हो जाएगा। फिर क्या होता है, जब आप लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, हाँ, तो जो हमारी आंखों का ब्लिंक रेट है जी, झपकने का जी, वो कम हो जाता है। जब वो कम होता है तो हमारी आंख में आंसू बन रहे हैं, वो फैल नहीं पाते जी, तो आंखें सूख जाती हैं, ड्राई, उससे भी ये प्रॉब्लम बनती है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आप 3-4 बार लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को जी। और फिर कुछ कुछ चीजें आप ऐसी करो जिससे ये जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाए जी। क्या एक है, एक होता है 20-20-20 रूल, उसमें हम कहते हैं 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक ले लो, ठीक है, और 20 फुट दूर का देखो, तो बेसिकली आपको आधे घंटे बाद हाँ जी थोड़ा सा ब्रेक लेना है, 15-20 सेकंड का दूर देखो ताकि मसल रिलैक्स हो जाए, जैसे मैंने बताया, 3-4 बार आंखों को ब्लिंक कर लो कि जो आंसू है वो फैल जाए, और फिर अपने काम को दोबारा लग जाओ जी। स्क्रीन को जितना बड़ा ले सकते हो उतना बड़ा ले लो, जितना फॉन्ट छोटा होगा उतना आंख को जोर लगाना है, जितनी बड़ी स्क्रीन है जितना बड़ा फॉन्ट है उतना आंख में जोर कम है, उतना कम रिलैक्स रहेंगे। रूम जो है वो वेल लिट होना चाहिए, अंधेरे में बैठ के करोगे, रात को बैठ के अपने बिस्तर पे लेट के लैपटॉप करोगे, आंख थक जाएगी, प्रॉब्लम जी। और एक प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए जी, स्ट्रेट बैठोगे, स्क्रीन को आई लेवल पे रखोगे, थोड़ा दूर रखोगे, आसपास कोई एसी वेसी नहीं होना चाहिए जो डायरेक्ट आंख पे आए जी, ऊपर पंखा ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए जी, और ज्यादा आंखें ड्राई हो रही है तो ह्यूमिडिफायर लगा लो जी, लुब्रिकेंट। सर ये जो आई ड्रॉप की बात की आपने, वो आई ड्रॉप जो होती है उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है? नहीं, देखिए जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स है इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं, इनको तो आप लॉन्ग टर्म भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इस ड्रॉप में उन्होंने क्या डाला है, आर्टिफिशियल टीयर्स ही तो है, वो आपकी आंख में डालो, इट्स लाइक क्रीम, फेस में क्रीम लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग दिन में 2-3 बार यूज करते हैं, 4 बार डाल लो, 5 बार डाल लो, कोई नुकसान नहीं। मैं बताता हूँ नुकसान किस चीज का जी। नुकसान है कि जब आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, बीच में लाल हो रही है, जलन लग रही है, ड्राइनेस हो रही है, और आप डॉक्टर के पास नहीं गए, आप चले गए फार्मासिस्ट के पास, केमिस्ट की दुकान पे, ड्रग स्टोर पे चले, और वहां पे आपने बोला भाई मेरी आंख में लाली खुजली हो रही है, मेरे को ड्रॉप दे दो, और उसने आपको पकड़ा दी स्टेरॉइड की ड्रॉप, वो नुकसान। तो स्टेरॉइड डालोगे, स्टेरॉइड जो है ना जादू ही दवाई है जी जी। आप स्टार्टिंग में डालोगे आपको लगेगा भैया एक तो मजा ही आ गया है, जादू हो गया, और डालते जाओ कल आपकी आंख में काला मोतिया बन जाएगा, फिर सफेद मोतिया बन जाएगा। सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं ना लोगों को जो सजेशन दिया जाता है, जैसे आप फार्मेसी की आपने बात करी कि दृष्टि और आइसोटोन, ये ऐसे ड्रॉप्स हैं सबसे ज्यादा सजेशन में रहते हैं कि आप इनको डालो जिससे आंखें आपकी ठीक रहती हैं। और आइसोटोन, आइसोटीन जी, ये सबसे ज्यादा मिसलीडिंग दवाइयां हैं हमारी मार्केट, सबसे ज्यादा यूज हो रही है, केस भी हो गया। अच्छा, पतंजलि पे आपने देखा जी जी जी, हाँ 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 जी जी जी। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक ड्रॉप बनाते हैं जी, उसमें ये डालते हैं गाजर का रस, अच्छा, प्याज का रस जी, अच्छा, हनी, शहद जी, लहसुन, इस तरह की चीजें डालते हैं, अदरक, इस तरह की चीजें, तो ये तो हार्मफुल हो गई है आइस के लिए। और ये कहते हैं जी कि आपकी आंखों की 90-95% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बिल्कुल, एक ड्रॉप 20 रुपए की ड्रॉप आपकी 95% प्रॉब्लम ठीक कर देगी जी, और ठीक तो करती नहीं है जी, ये प्याज का रस थोड़ी कुछ ठीक कर सकता है, हर चीज की अलग प्रॉब्लम है जी। लोग एड देखते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बिल्कुल, आंख में ड्रॉप डालते रहते जी, प्रॉब्लम ठीक होती नहीं और बढ़ जाती है जी, फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं जी, फिर पूछते हैं भैया क्या कर रहे थे तब से, इतने टाइम लेट क्यों आ गए, कि जी हमने देखा था कि वो ठीक दृष्टि से, और ऐसी ऐसी चीजें क्लेम करते हैं, मतलब हमारी ऑप्थाल्मिक कम्युनिटी को ये सब पढ़ के भी शर्म आती है जी, आंखों के कैंसर कह रहे हैं ठीक कर देंगे, कलर विजन की प्रॉब्लम, कलर ब्लाइंडनेस ठीक कर देंगे, ऑप्टिक अट्रॉफी जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है वो ठीक कर देंगे, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आज तक कोई इलाज नहीं है दुनिया में वो ठीक कर देंगे, और आज तक एक भी ऐसी स्टडी सामने नहीं है जो ये ठीक कर रहा, मोतियाबिंद जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम एक आंख की होती है वो ठीक कर देंगे। आप ये देखो आंख में मोतियाबिंद बन क्यों रहा है जी, उसके पीछे कारण उम्र के साथ
बाल सफेद होते हैं बढ़ती जी उम्र के साथ, जी तो बढ़ती उम्र के साथ हमारे आंखों के अंदर एक लेंस होता है जी वो भी सफेद हो जाता है, जी उसके सफेद होने को हम मोतियाबिंद या कैटरा कहते हैं जी। तो आज तक जब कोई ऐसी दवाई नहीं बन पाई जो उम्र को कम कर देगी, तो ऐसी ड्रॉप कैसे आप बना लोगे जो बढ़ती उम्र से प्रॉब्लम को कम कर देगी? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही मिसलीडिंग चीजें चल रही है, इसीलिए केस के ऊपर नहीं, आयुर्वेद में गारंटी भी हर चीज के लिए जा रही है ना आज के डेट में कि हम प्रॉपर आपके आंखें ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स कहते भी हैं, नहीं मैं ये बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आयुर्वेद गलत है जी। हजार साल पहले साइंस है, बिल्कुल काम करती है जी। होम्योपैथी हजारों साल पहले साइंस है, काम करती है। एलोपैथी भी एक मेडिकल साइंस है, काम करती है जी। कुछ शरीर की बीमारियां हैं जो एलोपैथी से बेटर ठीक होंगी जी, कुछ ऐसी बीमारियां जो क्रॉनिक होती हैं हो सकता है वो होम्योपैथियां या आयुर्वेदा से बेटर ठीक जी, जी। मेरे को साइंस में नहीं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है कि आप लोगों को मिसलीड जी, 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 जी। अगर कोई चीज सोल्यूशन नहीं है उसकी आप ऐड कर करके लोगों को बेचोगे जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है, ये तो गलत है ना। मतलब एटलीस्ट एक क्लैरिटी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, स्पेशली आप उनको एक दवाई दे रहे हो जी। और इसी तरह की ये जो टैबलेट्स आजकल चल रही हैं, अलग अलग तरह की टैबलेट मार्केट में आ गई है जी, जी। कोई कहता है इसको खा लो बाल आ जाएंगे, कोई कहता है बहुत ज्यादा चल रहा है, एक्चुअली ये चीजें मिसलीडिंग होती जी। दैट इज व्हाई वी आर सिटिंग हियर इन अ पॉडकास्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू डिफरेंशिएट कि व्हाट इज जेन्युइन एंड व्हाट इज मिसलीडिंग। तो सोशल मीडिया में कोई आज वो तो है नहीं, आप कोई कैप तो है नहीं कि भाई क्या कुछ भी आके बोल दो, सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया में, तरह तरह की चीज है और इससे रिलेटेड एक और चीज सबसे ज्यादा जो वायरल है, ये आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी आंखें वीक है तो आप सर्दियों में सबसे ज्यादा हरी सब्जी और गाजर का सेवन करो तो या फिर घास पे चलो नंगे पैर सुबह उठ के आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ, ये बड़ी ये मैं बताता हूँ ये बात उठी कैसे, मेरी तो बोलना चाहिए ये कई हजारों साल से कई 500 साल से चल रही है बातें, आंख में कुछ प्रॉब्लम है तो हरी सब्जियां खाओ, गाजर खाओ, आंवला खाओ, पपाया खाओ, बचपन से सबकी मम्मियों ने भी दादियां मम्मियां सब बोलती है। तो ये बात उठी कैसे जी? बिल्कुल, क्योंकि ये जो गाजर हरी सब्जियां होती है ना, इनमें एक विटामिन ए जो है ये बहुत रिच फूड है जी। बहुत ज्यादा गाजर, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, पपाया में विटामिन ए होता है जी। बिल्कुल, और अगर बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है जी, तो आंख में एक दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है जी। नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, रात को कम दिखता है जी। आंख की पुतली है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर विटामिन ए की कमी है, ये प्रॉब्लम्स हो रही है, विटामिन ए को देंगे हम तो ठीक होगा जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हरी सब्जी गाजर सारी प्रॉब्लम ठीक कर देगी जी। भाई आंख में तो 100 तरह की बीमारी है, हर बीमारी का अलग इलाज, अलग इलाज है। तो ऐसा नहीं है कि आंख की नजर कम हुई और आपने हरी सब्जियां खाई, गाजर खाई तो सब कुछ ठीक हो जी। जी। हरी सब्जियां गाजर स्पेसिफिक प्रॉब्लम ठीक कर। यहाँ पे ना मेरा एक सवाल है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ आमिर सर है जिन्होंने चश्मा पहना, चश्मे की बात कर रहे थे इतनी देर से, तो मैं उनसे ही एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर वो कंफर्टेबल है चश्मा पहनने में फॉर लाइफ टाइम, अगर वो कंफर्टेबल है हाँ। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उन्हें ऑपरेशन कराना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो चश्मा हटाने के ऑपरेशन है जी, ये ऐसा नहीं है कि कोई हम बीमारी का इलाज कर जी। जी। देखिए अगर एक इंसान का चश्मा ज्यादा है जी, 5 है 6 है 7 है, ये चश्मे का नंबर 30 तक भी हो सकता है, तो 5-6 से नंबर ऊपर है तब मैं समझता हूँ कि वो इंसान परेशान है जी। चश्मे पे डिपेंडेंट है, अगर वो सुबह उठ के चश्मा नहीं पहनेगा तो उसकी लाइफ में मतलब आधे काम वो नहीं कर सकता, उसकी नजर धुंधली होगी। तो ठीक है, अगर वो इंसान अपना चश्मा हटा रहा है तो वी से दैट इट इज फॉर कन्वीनियंस, इट इज अ विजुअल रिहैबिलिटेशन। लेकिन मान लो किसी का आधा एक नंबर है, तो उसका चश्मा हटाने का रीजन सिर्फ कॉस्मेटिक है कि अगर चश्मा पहनने का मन नहीं कर रहा, चश्मे से तंग आ गए, चश्मे से परमानेंटली हटवाना चाहते हैं, रोज रोज की झंझट है, गाड़ी से बाहर निकलो फॉग हो जाता है, उसमें बारिश में सबसे ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, अगर इस तरह की इनकन्वीनियंस हो देन देते हैं सलूशन। सर तो जैसे अभी आपने कॉस्मेटिक की बात की, हम लुक्स की बात कर रहे हैं, तो मेकअप कहाँ पीछे रह जाएगा? हमने अभी अभी वेयर कर रखा है, तो सबसे मेन चीज आ जाती है काजल के बिना मेकअप इनकम्प्लीट होता है, लाइनर के बिना इनकम्प्लीट होता है, और वो हमारे डायरेक्ट आंखों से कांटेक्ट में है, तो कितना ज्यादा परेशान करने वाली चीज हो सकती है आंखों को ये? इसमें ना देखिए दो चीजें समझते हैं जी, एक तो है कि लोग बच्चों की आंख में काजल लगा सब जी जी जी, नहीं होते ही बच्चों की आंखों में वो लगाना शुरू कर देते हैं। और उन सब पेरेंट्स से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बच्चों की आंख में काजल लगाना क्यों चाहते हैं?
खूबसूरती के लिए, नजर ना लगे। अगर आपको लग रहा है कि काजल लगाने से नजर नहीं लगेगी या बच्चा ईवल आई से बचा रहेगा जी, तो माथे पे लगा लो यार, कान के सर ये भी बोला जाता है आंखें बड़ी होने लगती हैं इससे, काजल लगाने से बच्चों की जी नजर से बचाना है ना जी, आंख में क्यों लगाना जी। अगर आपको लग रहा है कि काजल को लगाने से बच्चे की नजर अच्छी हो जाएगी जी, तो ये भी एक मिथ है। काजल लगाने से नजर का अच्छा बुरा होने का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, रादर काजल में एक बड़ा वो होता है, लेड करके एक केमिकल होता है, पॉइजनस होता है, बच्चों को डाल दोगे मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आंखें सुंदर हो रही है काजल लगा के, बच्चे तो वैसे ही सुंदर हैं यार, उनको क्या काजल लगा के उनकी आंख में जबरदस्ती आपने एलर्जी कर रहे हो, इन्फेक्शन कर रहे हो, तो बच्चों की आंख में काजल लगाने का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं। किस एज तक नहीं लगानी चाहिए? 18 साल तक तो छोड़ दो, बिल्कुल नहीं लगानी। 15 साल तक तो छोड़ दो कम से कम। साइड इफेक्ट क्या है? जैसे हमने भी लगा रखा है अभी, इसका साइड इफेक्ट क्या है? एडल्ट्स में इतना नहीं होता, बिकॉज एडल्ट्स की बॉडी अब इम्यून हो गई है, उनकी बॉडी रोबस्ट है, बच्चों की बॉडी अभी सेंसिटिव है। पर अगर आप इस यंग एज में, जब आईज सेंसिटिव है, अभी आईज डेवलप हो रही है, आप ये सब चीज़ें लगाओगे, तो इसमें है तो केमिकल ही ना। अब वो केमिकल आँख में जाएगा, उससे केमिकल रिएक्शन देगा। कितने सारे बच्चों को हम देखते हैं, एक प्रॉब्लम पहले बहुत ही ज़्यादा होती थी, अब तो कम हो गई, ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्यों होता था? एक काजल की स्टिक आपने ली, एक बच्चे को लगा दी, दूसरे बच्चे को लगा दी, तीसरे बच्चे को लगा दी, इन्फेक्शन हो गई। फिर हम लोग देखते हैं इसमें लेड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। और दूसरा कि अगर आप एक केमिकल को बार बार आंख में डालोगे और कुछ उसको सेंसिटिविटी है, तो बच्चे की आंख में एलर्जी हो जाएगी, और बार बार लगाते रहोगे तो वो एलर्जी क्रॉनिक हो जाती है जी। फिर वो काबू में ही नहीं आती। अब दवाइयां लंबी समय तक दवाइयां चलाओ, साल साल डेढ़ डेढ़ साल, तब जाके थोड़ा बहुत काबू में आती है। बच्चा परेशान पूरे दिन, आंख लाल, पानी निकल रहा है, गुदे निकल रहे, तो क्यों तंग करना है? बच्चा तो वैसे परेशान हो जाता है, फंक्शन पे लगा लिया, कुछ गैदरिंग हो रही है, पार्टी में जाना है, इट्स ओके। बट इफ एवरी डे यू पुट, और आपको ऐसा लगता है कि काजल लगाओ और मेरी आंखें सेंसिटिव हो रही है, पानी निकलना शुरू हो जाता है, लाली होनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की आंखें फूल जाती है। इतने सारे लड़कियों को ऐसे देखता हूँ, काजल लगाया उन्होंने रात को, अगले दिन नहीं, आंखें फूली फूली, सेंसिटिव। फिर वो क्या करती है लड़के, वो दवाई दे देते हैं उनको, वो क्या करती है, काजल लगाती है, फिर उनकी आंख फूल जाती है, फिर वो दवाई दवाई लगाते हैं। नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आज तो आपने ये सब कर लिया, जब ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाएगी ना, तो सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। सेम इज द प्रॉब्लम विद कॉन्टैक्ट लेंसेस। अगर चश्मा है तो आप चश्मा पहन लो, और चश्मा नहीं पहनना तो चश्मा हटवा लो, कॉन्टैक्ट लेंस मत पहनो। कॉन्टैक्ट लेंस की क्या प्रॉब्लम, साइड इफेक्ट क्या है कॉन्टैक्ट लेंस की? कुछ फैशन के लिए भी कर रहे हैं ऐसा सर। अगेन कभी कभार पहन लिया जी, हफ्ते में सैटरडे संडे पहन लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज पहनोगे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। जैसे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी सर? पहले ये समझते हैं कॉन्टैक्ट लेंस से प्रॉब्लम आती क्यों। बिल्कुल, कॉन्टैक्ट लेंस एक फॉरेन बॉडी है जी, उस फॉरेन बॉडी को आपने आंख पर चिपका लिया जी, तो सबसे पहले तो फॉरेन बॉडी की वजह से बॉडी रिएक्शन देगी। फिर क्या होता है, ये जो हमारी आंख का सामने वाला हिस्सा होता है जी, जिसको हम कॉर्निया काली पुतली कहते हैं जी, इसमें ना ब्लड वेसल्स नहीं होती जी, खून की नाड़ियां नहीं होती, तो ये जो कॉर्निया है ये सांस या ऑक्सीजन जो है ये हवा से लेता है जी। अब आपने एक कवर लगा दिया तो वो नहीं देता। अब आप जितना मर्जी बोल लो कॉन्टैक्ट लेंस ऑक्सीजन परमिएबल है, ऑक्सीजन परमिएबल है, कुछ हद तक तो रुक गई ना। जब ऑक्सीजन कम हुई तो अंदर ही अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, रात को पहन के सो जाते हैं जी। वैसे ही बंद है और आंख बंद कर लिया आपने, वो वैसे ही कम जा रही थी, ऊपर से आंख और बंद कर ली जी। तो सुबह उठते हैं और लाल हो गई आंख, इन्फेक्शन हो गई। और ये जो कॉन्टैक्ट लेंस की इन्फेक्शन होती है ना, ये इतनी खराब होती है, इतनी खराब होती है कि आधा अंधा करके जाती है इंसान को कॉन्टैक्ट लेंस। हाँ, इसमें कुछ ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अल्सर बन जाता है आँख में। तो अल्सर को जब ठीक करो तो पुतली पे सफेद कर जाता है वो, नजर खराब हो जाती है। तो एवरी डे कॉन्टैक्ट लेंस एज अ डॉक्टर नॉट रिकमेंडेड।
और अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो बिल्कुल ही छोड़ दो। नहीं, हम ये भी देखते हैं ना कि कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, एक होता है कि परमानेंट कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेना और एक होता है कि रिमूवेबल रहता है कि हमारा मन करा हमने हटा दिया। तो दोनों ही गलत हैं या कोई एक हम लगा सकते हैं? परमानेंट कॉन्टैक्ट लेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, बट ऐसा डॉक्टर्स की तरफ से बताया जाता है कि आप लगा सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट लेंस को ज़्यादा ज़्यादा 10 से 12 घंटे उससे ऊपर नहीं पहनना होता। हम तो कहते हैं 8 घंटे पहन दो, उससे ऊपर ना पहनना। एक चीज़ होती है कि आंख के अंदर लेंस डाल के चश्मा हटाया जा सकता है जी। कुछ लोग उसको बोलते हैं इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस जी, वो एक अलग चीज़ है, वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं जब चश्मा हटाने की बात करेंगे। बट जहाँ तक कॉन्टैक्ट लेंस डेली वेयर के लिए, तो चलो एक बारी को अगर आपने ज्यादा भी पहनना है तो आप डेली डिस्पोजेबल वाले पहन लो। सुबह पहना, रात को फेंक दिया, कुछ तो हाइजीन मेंटेन होगा। जी, वो जो मल्टीपल वाले हैं, मंथली डिस्पोजेबल्स हैं, उनको आप निकाल के रख देते हो, ठीक से साफ नहीं करते अगले दिन, फिर उसको आंख में लगा लेते हो, इन्फेक्शन उसके अंदर है, वो आंख में चिपक गई, अब उसको सत्यानाश हो जाता है। मतलब ये तो रोज देखते हैं ना हम जी। एक नॉर्मल इंसान को नहीं समझ आती, लेकिन एक हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठा है उसके पास रोज पेशेंट्स आ रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आंखों का दुश्मन कॉन्टैक्ट लेंस एक तरह से, आई विल एग्री विद यू। और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि जो हम अभी आंखों की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक कलर ब्लाइंडनेस भी बहुत सुनते हैं हम आते हैं कॉमनली, तो उसका कारण क्या होता है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, देखिए हमारे जो आंख का पर्दा है उसमें एक सेल्स की लेयर होती है जिसको कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स जो है वो आपको ब्राइटनेस का बताती है, जैसे चिड़िया जो होती है उसकी आंख में रॉड ज़्यादा होती है, तो हल्की सी धूप निकलती है उसकी नींद खुल जाती है। और कोन्स जो होते हैं ये कलर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर इस लेयर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए आपकी, तो आपके जो कलर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। अलग अलग तरह की ब्लाइंडनेस होती है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस होगी, ब्लू, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर लोगों को नहीं दिखते, तो कुछ तरीके होते हैं इसको चेक करने के। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि कलर ब्लाइंडनेस का आज तक कोई इलाज नहीं है हमारे पास। तो इफ समबडी इज बॉर्न कलर ब्लाइंड, ही हैज टू लिव विद दैट। मतलब बहुत ज़्यादा कलर ब्लाइंड को हम ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए जब कोरोना के बाद से अगर हम बात करें ना, कोरोना के बाद से सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं कि आंखें वीक हो रही हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या तो कुछ की बिल्कुल ही आईज वो देख ही नहीं पाते होने के बाद, या नम एकदम चश्मा लगाना पड़ रहा है उन्हें। तो ऐसा क्यों हुआ कि कोरोना आया आंखों पे उसका साइड इफेक्ट? मोबाइल कंप्यूटर, अब कोरोना के बाद हर बंदा तो मोबाइल कंप्यूटर पे काम कर रहा है, लोगों से मिल नहीं रहा, पूरे दिन जूम। बट जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी मोबाइल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, रीजन वही है चश्मा आने के लिए, या तो जेनेटिक्स है, एक्सेसिव वर्कर मोबाइल कंप्यूटर, या आउटडोर एक्सपोजर लिमिटेशन। ऑफ कोर्स कोविड के बाद हर चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गई थी। अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा एक कर्स हो गया है कि मोबाइल कंप्यूटर से हम बिना जीतो नहीं पा रहे जी। उसके वजह से हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, एंड ये प्रिडिक्शन भी हो रही है कि अनदर 25-30 ईयर्स, 3-4 डिकेड्स में 100% लोगों की आंखों चश्मे का नंबर आ जाएगा जी। बिल्कुल, और हम ये भी देख पा रहे हैं जब लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं साथ में हम सनग्लासेस भी देखते हैं वो कैरी करते हैं, तो सनग्लासेस कितना सही है लगाना, क्या उससे कोई साइड इफेक्ट रहते हैं? नहीं, सनग्लासेस पहनने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखो सनग्लासेस क्या करता है, बिल्कुल एक चश्मा है जी जिसको आपने काला करा हुआ है। हाँ। जी। तो वो क्या करता है, जो लाइट आपकी आंख में आ रही है उसको 80-90% रोक देता है। जी ठीक है। तो आप ब्राइट सनलाइट में जाते हो, 80-90% लाइट ब्लॉक है, आप कंफर्टेबल हो जाते। जी। अब ये भी दो तरह के, एक तो है वो चपड़ी वाले सनग्लासेस जो 100-200 रुपए मिलते हैं जी। वो तो स्टाइल है जी। वो तो ठीक है, आपने पहन लिया फोटो वोटो खिंचवा ली। एक सनग्लासेस होते हैं जिनमें एक यूवी प्रोटेक्शन का कंपोनेंट बना होता जी। है, पोलराइज्ड भी आते हैं जी, यूवी प्रोटेक्टिव जी। ये वाले सनग्लासेस थोड़ा ज्यादा फायदा देते हैं जी जी। क्योंकि देखिए जो सन से यूवी लाइट निकल रही है वो भी हमारी आंखों को थोड़ा डैमेज कर सकती है। क्या क्या डैमेज कर सकती है? एक तो आंखों के अराउंड थोड़ा सा कालापन आ सकता है जी, पिगमेंटेशन हो सकती है, कुछ लोग डार्क सर्कल जी। फिर हमारा जो लेंस है उसमें जैसे मोतियाबिंद की बात कर रहे थे, वाइट हो जाता है, तो अगर ज्यादा यूवी का एक्सपोजर होगा तो थोड़ा सा जल्दी मोतियाबिंद आ सकता है जी। फिर एक आध प्रॉब्लम पर्दे में हो सकती है यूवी, तो अगर आप ब्राइट सन में वो यूवी प्रोटेक्शन वाला पहन के निकल गए तो थोड़ा सा तो उसका फायदा है। अच्छा कुछ लोगों में देखता हूँ रात को भी सनग्लासेस पहन लेते हैं, रॉक स्टार, वो कोई फायदा नहीं उसका। मोस्टली वो लोग लगा के ही रखते हैं, उसका कोई वो सिर्फ स्टाइल है, दैट इज स्टाइल, दैट इज नो एडवांटेज। सर इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जब हम बात करते हैं आंखों को बेटर करने की, तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस की बात आती है, जिनमें से एक है सन गेजिंग,
कहा जाता है कि सन गेजिंग करने से जो आंखें हैं, जो मांसपेशियां हैं, मजबूत हो जाएंगी और बेटर हो जाएंगी। तो आपका क्या कहना है सन गेजिंग पर? एक पिक्चर आई थी मोहब्बतें जी, उसमें वो अमिताभ बच्चन रोज सुबह खड़ा हो जाता है तो सूरज को देखता जी। ये आयुर्वेद का मिथ है एक तरीके से। ऐसे काम गलती से भी मत करना जी। सन की लाइट जो है वो इतनी स्ट्रांग है, लाइट इंटेंसिटी भी प्लस यूवी लाइट जी। आप सन को डायरेक्ट देखोगे आपका पर्दा जला देगा, और इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं सोलर रेटिनोपैथी। सन की लाइट की वजह से पर्दा जल गया जी। और इतने सारे लोगों को हम देखते हैं, स्पेशली जब ये ग्रहण लग रहे होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो वो ग्रहण देखने के लिए यू देखना शुरू कर देते हैं और आंखों को जला के आ जाते हैं। तो सन गेजिंग को गलती से भी नहीं करना है, इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। जिसने बोला कि सन गेजिंग से फायदा होता है वो बिल्कुल मिसलीडिंग, गलत बात। अच्छा अच्छा, फिर ये लोग क्या बात बोलते हैं, ये हम मिथ्स की बात कर रहे हैं। इतने सारे YouTube वीडियोस हैं वहाँ पे कहते हैं जी सुबह उठ के आंखों की एक्सरसाइज करो जी, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, मुंह में पानी भर के भी आप करो, ये बताया जाता है, ऐसे ऐसे करो, इसको मत करना। अच्छा, वो से लोग सलाइवा लगाने को भी सजेस्ट करते हैं, उसकी भी बात करते हैं। एक तो ये एक्सरसाइज वगैरह मत करना। देखो जैसे हमने बात करी, अगर आंखों की मसल कमजोर है तो आपको सिर दर्द, आंखों में दर्द बनेगा जी। और डॉक्टर अगर आपके पास जा रहे हो, डॉक्टर एक्सरसाइज दे रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहे हो, समझ आ रहा है, साइंटिफिक है जी। लेकिन ये जो रोज सुबह उठ के आपने मल रहे हो आंखों को, ये नहीं कर रहे जी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी आंखें नॉर्मल है, कोई सिम्टम बन नहीं रहा और आप आंख को मले जा रहे हो, मले जा रहे हो, तो आंखों को ज्यादा मलने की वजह से एक और आंख में प्रॉब्लम हो जाती है, केराटोकोनस। आंख की जो पुतली गोल है वो चोंच बन जाती है। ओ, तो ये मलना बिल्कुल गलत है। सलाइवा, सलाइवा को क्यों लगाना है, क्या कारण है सलाइवा को लगाने का? अगर आपको लगता है कि आंखें सूख रही हैं और अगर आपको थूक लगा के थोड़ा लुब्रिकेटिंग होता है, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डाल लो यार, एटलीस्ट वो एसेप्टिक तो है, प्रॉपर एक फैक्ट्री में बनी है, सेप्सिस का ध्यान रखा गया है, थूक थूक को लगा के कुछ नहीं होने वाला। ये सारी चीजें ना मिथ्स हैं। मिथ है एक तरह से आयुर्वेद की। घास पे चलने की बात करी, घास पे चलने से आंखें नहीं ठीक होंगी। सबसे ज्यादा सुना गया ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आंखें कमजोर है, चश्मा उतारना है तो घासों पे चलो। साइंटिफिकली बात करते हैं ना, घास पे चलने से आंख का जो साइज लंबा हो गया वो छोटा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, यही बात आती है दवाइयों की, ये जो बेचते रहते हैं ऑनलाइन, दृष्टि विष्टि की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं ड्रॉप डालो और चश्मे का नंबर ठीक हो जाएगा। अरे भाई, एक ड्रॉप आंख के साइज को थोड़ी छोटा कर सकती है। ये कुछ ऐसी बात है कि मेरी हाइट 5 फुट है, 5 मतलब मेरी हाइट 5 से 6 फुट करना, तो क्या मैं गोली खाई कर सकता हूँ? या 6 से 5 करना तो गोली खाई कर सकता हूँ? वो तो बैग काटने पड़ेंगे, ऑपरेशन से चश्मा हट सकता है। रेगुलर यूज में जब हम इतनी देर काम करते हैं, इचिंग होती है, तब हम क्या करें, मतलब क्लीन कैसे करेंगे? देखो, इचिंग अलग चीज। अगर आंख में इचिंग हो रही है तो आंख में एलर्जी है, और एलर्जी का ट्रीटमेंट लो, माइल्ड एंटी एलर्जी वगैरह डालो, ठीक हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे आप मिलेंगे कि रात को घर आते हैं, वो बाइक वाइक चला के, तो उनकी आंखें लाल हो जाती है, एलर्जी से होती है जी। अच्छा, कभी कभार आंख में लाली ड्राइनेस से भी हो सकती है, तो अगर लाली हो रही है तो उसके तो अलग अलग कारण है। लाली में तो इन्फेक्शन भी हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है, ड्राइनेस भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, पर खुजली अगर हो रही है तो मेनली आपको एलर्जी, एलर्जी का ट्रीटमेंट तो ठीक हो जाएगा। सर, जैसे कि अभी मुझे कुछ टाइम पहले कंजक्टिवाइटिस हो गया था आंखों में, बहुत प्रॉब्लम थी, 15 दिन तक मुझे ठीक से दिख भी नहीं रहा था। तो उससे पहले मेरी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी, अभी मुझे ना थोड़ी थोड़ी ड्राइनेस फील होती है आंखों में, और पता नहीं डॉक्टर्स को दिखाया तो गया, अभी तो सारी चीजें ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम अब आ रही है? इसमें ऐसे कमेंट करना इज मुश्किल, बट स्टिल अगर ड्राइनेस आपको लग रहा है तो थोड़ा सा ट्राई यूजिंग लुब्रिकेटिंग, कोई नुकसान तो है नहीं। और अगर आपको हफ्ता 10 दिन लुब्रिकेटिंग ड्रॉप करके आपको आराम नहीं लग रहा, देन कम टू माय हॉस्पिटल, डेफिनेटली डेफिनेटली, व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल, जो सर के साथ बैठे हैं तो एक पता नहीं क्या, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी, अभी हम डिस्कस जो कर रहे थे मिथ्स के बारे में, चलो अभी ध्यान आएगा तो बिल्कुल उस पर करेंगे बात। अभी भी ना मेरा सीधा एक और सवाल यही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए और शायद आपके लिए, कितना इंपॉर्टेंट होगा अभी जानते हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथी में चश्मा हटाना कितना संभव है? मैंने तो आज तक नहीं कोई देखा जिसका चश्मा आयुर्वेद होम्योपैथी से हट गया। अच्छा, फिर लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, 15 दिन में चश्मा हटाइए, इधर ड्रॉप डाल में हटा देंगे, 1 महीने में हटा देंगे, 6 महीने में हटा देंगे, ये ड्रॉप डाल लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ये पाउडर खा लो, ये गोली खा लो, नहीं, बिना ऑपरेशन चश्मा हटाएं, बिकॉज इट्स नॉट साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल जी। भाई, द बेसिक पैथोलॉजी जो आपकी हो रही है चश्मा से, उसको थोड़ी आप रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल, सो आई एम येट टू सी, ओके, एंड आई थिंक 26,000 डॉक्टर्स इन इंडिया
आर येट टू सी कि कौन सी ड्रॉप से चश्मा हट जाए ताकि हम भी ऐसा ऑपरेशन करना चाहें वही ड्रॉप दे दें। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं आयुर्वेद में कि आप चश्मा आपका हट जाएगा अगर आप आयुर्वेद का इलाज लेते हैं, बस ये क्लेम्स ही दिख रहे हैं हम। मतलब क्लेम अब आजकल ऐसा हो रहा है सोशल मीडिया में आके कोई भी कुछ भी बोल देता है। बिल्कुल, व्हाट इज द साइंटिफिक रिसर्च एंड बेसिस बिहाइंड इट, ये तो कोई पूछता ही नहीं। सर आरटीआई डालो, आरटीआई का जवाब नहीं मिलता, कोई नहीं देता। सर मेरा एक प्रश्न था आपसे, एक सवाल था, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो आपके नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है, तो आपने एक दिन में 100 लेजर ट्रीटमेंट किए थे, तो आपके भी कोई टारगेट वगैरह होते हैं क्या, मतलब कंप्लीट करने होते हैं? 250 करे थे। अच्छा, व्हाट इज माय प्रोफेशन, आई डॉक्टर हूँ, लेकिन जो मेरी स्पेशलिटी है सुपर स्पेशलिटी दैट इज लेसिक सर्जरी। पूरे दिन सुबह से रात तक चश्मा हटाने के ऑपरेशन करता हूँ। एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हमारा बाई चांस बन गया था, बिकॉज आई वॉज गोइंग ऑन अ वेकेशन, थोड़ा सा इकट्ठे हो गए लोग। द आइडिया वॉज नॉट टू मेक अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सो इट हैपेंड, सो वी आर हैप्पी अबाउट इट, सेलिब्रेट। तो बेसिकली जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ये था कि 250 लोगों का चश्मा हमने एक दिन में हटाया जी, लेजर वाला ऑपरेशन करके। ओके। और उस लेजर ऑपरेशन का नाम था कंटीन्यू ऑपरेशन जी। तो जैसे क्या होता है कि अगर कोई इंसान चश्मा हटवाना चाहता है तो आज की डेट में उसके लिए दो तरह के ऑप्शन है जी। एक तो ऑप्शन है जो हम सब ने सुना होता है कि चश्मा हटवाना है तो लेजर करना, लेजर वेरी कॉमन, और उसमें भी एक लोगों ने लेसिक का नाम बड़ा लेसिक चश्मा हटवाना लेसिक कराना, बट लेसिक जो है ना करीब 25 साल पुरानी हो चुकी है, तो टाइम के साथ चीजें बेटर हो गई जी। भाई आईफोन 1 के बाद 2 आया, 15 पे पहुंच गए, ऐसी गाड़ियां इंप्रूव हो रही है, तो टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो रही है। तो लेसिक के बाद एक और टेक्नोलॉजी आई स्माइल जी, फिर एक टेक्नोलॉजी आई कंट्यूरा विजन जी, और अब जो लेटेस्ट आ गई है उसका नाम है सिल्क। सिल्क, तो अब इन टेक्नोलॉजीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंस इसमें क्या है? देखिए जब भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है ना, तीन चीजों में अपग्रेड करते हैं जी। पहला अपग्रेड होता है क्वालिटी का, कैसे हम पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा बेटर क्वालिटी दे सकते हैं और कितनी नेचुरल क्वालिटी दे सकते हैं जी। तो अब जो सिल्क से हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें तो हम कहते हैं कि कोई इंसान जो बिना चश्मे के पैदा हुआ है वैसे ही आपको दिखेगा चश्मा हटाने के। अच्छा। तो डेप्थ ऑफ फोकस वगैरह बहुत इम्प्रूव हो गए, बहुत हाई क्वालिटी। सेकेंड जो है ये लोग रिकवरी को फास्ट करना चाहते हैं जी। तो पहले ऑपरेशन होता था 6 महीने के लिए आपको रिस्ट्रिक्शंस होती थी, बिल्कुल। अब ऑपरेशन में 1 दिन की रिस्ट्रिक्शन है, बस आज कराओ कल से अपने काम में जाओ। नाइस। तीसरा ये सेफ्टी को बढ़ा रहे हैं जी। तो आजकल के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें फ्लैप वगैरह नहीं बनते, जो पुराने प्रोसीजर थे लेसिक कंट्यूरा वगैरह, इसमें हम क्या करते थे आंख की पुतली के ऊपर 22 मिलीमीटर का कट लगाते थे जी। और एक परत को उठा के लेजर डालते थे, तो पूरी जिंदगी उस पेशेंट के सिर पे एक तलवार लटकी गई जी। कि किसी दिन जोर से चोट लग गई, किसी ने पंच मार दिया, बॉल लग गया, खुजला लिया, मल लिया, तो फ्लैप हिल जाता जी। तो हिल जाते तो नजर खराब होगी, फिर ठीक कराना पड़ता। तो मान लो आप गोवा गए हो, वाटर स्पोर्ट्स कर रहे थे, चोट लग गई, तो आपकी तो वेकेशन खराब हो गई। तो ये वाली प्रॉब्लम भी सिल्क में सॉल्व हो गई। सो नाउ वी से जैसा एक नॉर्मल इंसान दिखता है वैसे दिखेगा, और उससे कभी कभी ज्यादा दे पाते हैं, सुपरविजन दे देते जी, और इंस्टेंट रिकवरी आज कर कल से देखना शुरू। पर सेफ्टी इतनी ज्यादा है कि आपको कल के बाद याद नहीं रखना ऑपरेशन होता जी। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज इतनी सुंदर दिखती है सुनने में। हर मेडिकल प्रोसीजर के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, नो सर्जरी साइड इफेक्ट फ्री, और साइड इफेक्ट्स समझने पड़ते हैं और वो टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं जी। तो इसमें मेनली लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन 2 से 3 महीने आपको साइड इफेक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? पहले 2-3 दिन के तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है कि हो सकता है आंख में थोड़ा चौंधा लगे जी, लाइट ब्राइट लगे, आंख में लाली आए, पानी आए, कुछ भी हो, जलन हो जी। अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, बॉडी नए सिस्टम से अडाप्ट कर रही है जी। हो सकता है आंखों में थोड़ा दर्द हो, आंखें भारी लगे, सिर भारी लगे, सिर में दर्द हो, नॉर्मल चीज है, 2-3 दिन में चीजें ठीक हो जाती है। ओके। कोई साइड इफेक्ट जो थोड़ा लंबा चलेगा वो है आंखों में ड्राइनेस। ठीक है। तो क्या होता है जब हम ये लेजर करते हैं तो हम आंख की पुतली पे लेजर डाल रहे हैं, और हमारी आंख की पुतली में कुछ नर्व्स हैं जी। तो लेजर करते करते नर्व डैमेज हो जाती है। तो उस टाइम जब नर्व डैमेज हो गई तो आंख में जो ड्राइनेस है थोड़ा आ जाती है। तो आपको 3-4 महीने जब ये नर्व रिकवर करती है तब तक आपको ऊपर से ड्रॉप डालनी पड़ेगी। ड्रॉप डालनी पड़ेगी। कुछ टाइम बाद आपको लगने लगेगा कि अब मैं ड्रॉप डालू ना डालू बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, आपकी नर्व रीग्रो हो गई, सब चीज नॉर्मल हो गई। एंजॉय। तो सर लेजर ऑपरेशन के बाद एक पेशेंट को क्या-क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? देखो पहले तो बहुत प्रिकॉशन होते हैं, अब से जब से सिल्क आ गया
तब से हार्डली कोई प्रिकॉशन है। तब हम कहते हैं आज ऑपरेशन कराना, वैसे तो आप कल से अपने काम पे जा सकते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि देखिए हमने सपोज एक 25 साल का इंसान कराया, तो 25 साल का सिस्टम हमने रातों रात बदल दिया, तो हम चाहते हैं वो इंसान थोड़ा धीरे धीरे काम करे, तो हम कहते हैं 2-3 दिन का छुट्टी ले लो, थोड़ा बॉडी नए सिस्टम से यूज टू हो जाए, मोबाइल कंप्यूटर शुरू करना है चलो अगले दिन 5 घंटे कर लिया, फिर 10 घंटे कर लो, फिर 15 घंटे कर लो, तो 2-3 दिन में अपना वापस आ जाओ। ऐसी 2-3 दिन हम थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, 2-3 दिन हम चाहते हैं कि पेशेंट ज़्यादा धूल मिट्टी में ना निकले, तो घर के अंदर रहो, थोड़ा सा पानी से, हमारे देश में कंटामिनेटेड है पानी, तो थोड़ा गले के नीचे नहा लो, एक हम काला चश्मा दे देते हैं उसको 2 दिन पहन लो, तो थोड़ा घर से बहार निकल लो धूल मिट्टी में, उसको पहन के निकल लो, 2-4 दिन की प्रिकॉशन है, फिर अपने काम पे लग जाओ। सी इसमें ना क्या होता है कि हर इंसान का चश्मा नहीं हट सकता, अगर 100 लोग चश्मा हटवाने आएंगे तो 100 में से 70 लोग का 20 लोग को पहनना पड़ेगा, तो जब आपकी उम्र 18 से ऊपर हो जाए और आपके चश्मे का नंबर 6 महीने से स्टेबल है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, तो आपको एक हॉस्पिटल आना है जहाँ पर ये सब ऑपरेशन होते हैं, उस हॉस्पिटल में आपके 10-15 तरह के टेस्ट होंगे और वहाँ पे ये 30% लोग छट जाते हैं, तो टेस्टिंग में जिसके टेस्टिंग अच्छी हो, पॉजिटिव रिजल्ट्स हो, उनका हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं जी। तो अब अपने 18 साल के ऊपर हो, आपके नंबर स्टेबल है, आपने टेस्टिंग करा ली, टेस्ट आपके नॉर्मल है, तो आप ये ऑपरेशन करा सकते हो। अब इसमें भी ना 2 तरह के ऑपरेशन है, एक तो जैसे हम बात कर रहे थे लेज़र वाले जिसमें सिल्क आ गया आजकल, लेकिन ये लेज़र वाले जो ऑपरेशन है ना, सिल्क हो गया, लेसिक हो गया, कंटूर हो गया, इन सब की लिमिट है कि ये 8 नंबर ही हटा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का नंबर 9 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, वो क्या करें? तो जिनके नंबर हाई हैं या जिन भी लोगों का लेज़र से चश्मा नहीं हट सकता जी, उनके लिए एक और टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं ICL, जो हम बात कर रहे थे इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस की, वो ये ICL है। ओके। वैसे तो ICL का फुल फॉर्म है इम्प्लांटेबल कोलामर लेंस, बिकॉज एक स्पेशल मटेरियल का होता है कोलामर, जो 100 साल तक आंख में रहे, कोई टेंशन नहीं होती, बट हाँ इजी के लिए लोगों ने कॉन्टैक्ट लेंस का बोले, एक तरह का लेंस होता है जिसमें चश्मे की पावर है, तो इस लेंस को आपने आंख के अंदर डाल दिया, सारी पावर आंख के अंदर और बाहर से चश्मा। तो जैसे सर्जरी कराते हैं तो इसके का एक टाइम पीरियड होता है, सपोज दैट जैसे हमने 30 की एज में सर्जरी कराई, तो कब तक वो सर्जरी कंटिन्यू रखनी है? एक तो होता है सर्जरी का टाइम जी, तो ये ना वो ऐसी सर्जरी नहीं है लंबी लंबी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जी, ये सर्जरी होती है 5 मिनट जी। इस सर्जरी में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई फ्लैप नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन, ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं, 10-15 सेकंड का लेजर डालना है आँख में और ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि चलिए डॉक्टर साहब आज मेरी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, मैंने चश्मा हटा जी, अब क्या पूरी जिंदगी के लिए चश्मा हट गया जी, कि अब मेरे को कभी दोबारा पहनना पड़ेगा? इसके ना 2 तरह के आंसर हो सकते हैं। जैसे पहला तो है कि आज आपका हमने चश्मा हटा दिया, लेकिन जब आपकी उम्र 45 साल से कम है तो आपकी आंख में सिर्फ दूर का नंबर है। ओके। तो सपोज किसी इंसान ने 25 साल की उम्र में ऑपरेशन कराया तो उसकी आंख में तो सिर्फ दूर का नंबर था, तो जब हमने ऑपरेशन करा तो उस डेट में तो उसको दूर का भी साफ है और पास का भी, लेकिन 45 इयर्स के अराउंड हमारी आंखों में एक चेंज आता है जी, जिसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया जी, जिसमें जो हमारी आंख का अंदर का लेंस जो ऊपर वाले ने सॉफ्ट बनाया वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से रीडिंग का नंबर आ जाता है जी। तो एक बार किसी ने 25 साल में ऑपरेशन कराया तो 25 साल से लेके पूरी लाइफ तक दूर की नजर तो साफ है जी, लेकिन 45 के बाद उसको रीडिंग का चश्मा पहनना पड़ेगा जी। तो अगर उसको रीडिंग का चश्मा पहनने का कंफर्टेबल है तो उसको चश्मा पहना देते हैं जी, और अगर नहीं कंफर्टेबल है तो 1-2 टेक्नोलॉजीज और है जिससे हम पास का नंबर भी हटा सकते हैं जी। पर हम ये देख रहे हैं पास का चश्मा हटाने के जो ऑपरेशन है वो इतने पॉपुलर नहीं है। ओके। क्योंकि यंगस्टर्स तो कंसर्न्ड है भाई, अच्छा दिखना है, एक्टिविटी करनी है, 50 साल वाला इंसान कहता है डॉक्टर साहब कभी कभी वो रीडिंग के लिए पहनना पड़ता है। अब क्या इस उम्र में कराओ, हमारे बच्चों का तो रीडिंग वाले इतने पॉपुलर नहीं होता जी। अब जी एक और चीज देखिए, हमें ये समझना है कि एक ऑपरेशन कर रहे हैं जी, और ये ऑपरेशन कर रहे हैं एक इंसान की आंख पर। हाँ जी। वो आंख एक जिंदा आंख है, उसमें खून जाता है, ऑक्सीजन लेती है, वेस्ट मटेरियल निकालती है,
ये आंख पे ऑपरेशन हो, एक प्लास्टिक पे नहीं हो रहा था जी और आंख अपने आप को चेंज कर सकती है। बिल्कुल तो कभी कभी हम ये ऐसा देखते हैं कि हमने आज ऑपरेशन करा, आज के दिन तो नंबर जीरो जी, लेकिन 10-15 साल बाद आधा नंबर आ गया, पौना नंबर आ गया जी। वो इंसान क्या करे, तब भी कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको हॉस्पिटल वापस आना है जी, थोड़ा सा आधे एक सेकंड का लेजर और डाल देते हैं और उसको जीरो, बस आधे से हाँ फिनिश। उसको हम लोग कहते हैं लेजर टचअप या पॉलिशिंग जी। 5,000 में से इक्का दुक्का कोई ऐसा ऐसे केसेस रहते हैं, और अगर ऐसा फंस भी जाता है तो वापस हॉस्पिटल लाओ, फ्री काम है, 5 मिनट का काम है, थोड़ा सा लेजर और डाल जी फिर नॉर्मल हो जाए। अच्छा एक चीज़ और हम देखते हैं ना कि एक एज के बाद ना आमतौर, जैसे अभी रीडिंग की आपने बात करी कि रीडिंग के लिए भी फ़र्क पड़ जाता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक का नंबर उनका दूर से नहीं दिखता और एक आंसर उनको पास का नहीं दिखता, तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत बहुत रेयर हम केसेस देखने मिलते हैं जो एज में एक आके होता है। यूजुअली हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ तो दोनों आंखों में जी दूर का है और दोनों आंखों में पास का जी, इस तरह की सिचुएशन की एक में आपका पास का हो प्लस एक में आपका दूर का, मतलब बहुत कम जी, कॉमनली आपके दोनों आंखों में सेम सा नंबर होता जी। तो सर जैसे कि आपने बताया अभी हम आंखों की ही बात कर रहे हैं, आंखों में ड्राइनेस की भी अनुष्का ने बात की, तो जब ड्राइनेस आती है आपने बोला लिब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो ड्रॉप आती हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं रोज़ वाटर डाल लेते हैं, तो रोज़ वाटर क्या आंखों के लिए सेफ है? रोज़ वाटर नहीं डालना। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप रोज़ वाटर का वैसे अगर कोई नुकसान ना हो तो आप लोग क्या कर रहे हैं, लोग कि मार्केट में जाते हैं रोज़ वाटर की बॉटल लेते हैं उसको आंख पर डालना शुरू कर देते हैं। अब वो जो रोज़ वाटर है उसमें वो आंखों के डालने के लिए नहीं बना, तो उसमें उस तरह की सफाई या सेप्टिक तो हुआ नहीं आपका एसेप्सिस की भाई आंखों में डाल सकते हैं, तो उसको डालने से फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव हैं, उसमें अपने केमिकल्स हैं। रोज़ वाटर को क्यों डालना, मतलब कोई रीज़न तो होना चाहिए भाई। अगर आपको ड्राइनेस लग रही है उसको ठीक करना है, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डालना चाहिए। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप से ठीक नहीं हो रहा हॉस्पिटल चले जाओ, ड्राइनेस को ठीक करने की थेरेपीज होती हैं जी। बट ये रोज़ वाटर, शहद, घी, दूध, ये सब क्यों डालना है? मतलब आयुर्वेद से हमें कहीं ना कहीं आंखों को लेकर दूर रहना चाहिए। सर दादी माँ के नुस्खे क्या अब हर घर में एक छोटा डॉक्टर बन गया है कि कोई भी प्रॉब्लम आती जी वही यूट्यूब इंस्टाग्राम देखा सबसे ज्यादा डॉक्टर इस टाइम पे हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं, हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई बैठा हुआ है। ये भी बहुत बुरी आदत है, कुछ लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ कि उनकी आदत होती है रोज सुबह उठ के पानी के छपके मारते हैं, सुबह उठे धो लिया, दोपहर को थोड़ी नींद से आ रही है थक गई आंखें धो ली, रात को फिर धो ली, शाम को फिर धो ली जी। अरे हमारी आंखों में कुछ नेचुरल ऑयल्स हैं जो हमारी आंखों को लुब्रिकेट करके रखते हैं जी। आप बार बार उनको धो रहे हो, बार बार ऑयल्स को हटा रहे हो तो ड्राइनेस आ ही जाएगी ना, तो ये भी नुकसानदायक है जी। मतलब कोई मेरे से ये पूछे कि डॉक्टर साहब आप हर चीज को तो मना करते जा रहे हो, तो आंखों की हेल्थ के लिए क्या करना है जी? एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना, नेचर ने हमारी आंखों का सिस्टम ऐसा बनाया है कि वो खुद ही अपने आप को साफ करती है। हमारी आंखों में जो आंसू होते हैं उनमें एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, वैसे इन्फेक्शन से बचा के रखती है। हाँ कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जब आपको आंख नॉर्मल नहीं लग रही, लाली हो रही है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, चुभन हो रही है, धुंधली हो रही है, हाँ तो आप डॉक्टर से जाके मिलो ताकि प्रॉपर दवाई से इलाज हो सके। फिर आप रिस्टी डाल लोगे, आइसोटीन डाल लोगे, फार्मेसी वाले स्टेरॉइड डाल लोगे, रोज वाटर डाल लोगे, हनी डाल लोगे, शहद डाल लोगे। अभी आई फ्लू का चला, आई फ्लू में लोगों ने एक रील देख ली कि चूना डालना है, वो बहुत ज्यादा वायरल, आंखें जला जला के आ रहे हैं। मैं कहा भैया किसने तुम्हें बोला चूना डालने के लिए, कह रहे सर ये देखो ये तो प्रॉब्लम है सारी, साइंटिफिक नहीं होते हुए आयुर्वेद की तरफ ज्यादा लोग अग्रसर हो रहे हैं। आंख में चूना डाल दिया ना पुतली जल जाती है, सफेद हो जाती है, बिल्कुल डैमेज कर देती है, परमानेंट डैमेज है आपके लाइफ के लिए। तो हेल्दी है, देखिए हम आंखों को ना हमेशा चाहते हैं अच्छा दिखना सब कुछ है, तो हेल्दी आईज कैसे रहें इसके लिए देखिए क्या डाइट में चेंज हमें करना चाहिए? देखो डाइट में आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपकी आंख भी हेल्दी जी। ओके तो आंखों के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं लेनी, ठीक है? अच्छी बात है गाजर हरी सब्जियां खा रहे हो, विटामिन ए अच्छा है बॉडी में, लेकिन आजकल इतना प्रॉब्लम नहीं है जी। हैव अ नाइस बैलेंस डाइट, विटामिन मिनरल प्रोटीन सब उसमें, ठीक है? आंखों की हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना जी, कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, कोई आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स की जरूरत जी। इफ योर बॉडी इज हेल्दी योर आईज आर हेल्दी, और कोई प्रॉब्लम है देन
सीक अ प्रोफेशनल। सर जैसे कि अभी के टाइम पर जो है हमारा स्लीप साइकिल भी बिगड़ा हुआ है, क्या उसकी वजह से भी आंखों में प्रॉब्लम आती है? अगर आप देखिए ठीक से सोएंगे नहीं तो ओवरऑल आपकी बॉडी टायर्ड है, आईज टायर्ड है, तो अफकोर्स सी बात है आपको सर भारी लगेगा, आंखें भारी लगेंगी, कभी कभार आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे, तो टायर्डनेस तो आएगी ना स्लीप डिप्राइव्ड है तो, एक मिथ आंखों में ज्यादा है। जी डॉक्टर राहुल जी, एक मिथ और सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जब कोई लेडी प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी कहा जाता है कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, ये कारण है? कम नहीं होती, ये क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एक फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आंख में छोटा मोटा चश्मे का नंबर आ जाए। ओके। और जब ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप किया जाता है तो 4-5 महीने में जो हार्मोन स्टेबलाइज हो जाते हैं तो वो जो छोटा मोटा नंबर आया वो रिग्रेस हो जाता है। ठीक है, तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा विजन ब्लर हो गया, चश्मे का नंबर आ गया, नथिंग टू वरी, फेस खत्म होगा तो ठीक हो जाएगा। बेसिकली हार्मोनल चेंजेस से भी अफेक्ट करते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में आंख में एक और प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्या? पर्दे में प्रॉब्लम। वो कैसे? वो उस एक होता है, मतलब अगर एक एक्लेम्जिया प्री एक्लेम्जिया करके ऐसा होता है जिससे आपकी पर्दे में भी नुकसान हो जाता है। वो प्रॉब्लम से अगर आपकी नजर धुंधली हो गई तो आपको अटेंटिव रहना है, उसको सीरियसली मैनेज करना, बट वो रेयरली होती है। और जो गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं या जो ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं उनको पता ही होता है। तो चश्मा हम 100% हटा सकते हैं? 100% हटा सकते हैं, लेकिन 100% लोग नहीं हटा सकते। सर यही इसी से रिलेटेड, लोगों का चश्मा 100% हट सकता है। वो क्यों? 30 लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी आंखों की एनाटमी चश्मा हटाने के लिए सूटेबल नहीं है। जी। बहुत सारे कारण है, मान लीजिए आंखों में ड्राइनेस हो, चश्मा के बढ़ाएगा ड्राइनेस, अवॉइड करते हैं। मान लीजिए आंख की पुतली पतली हो, या आंख की आंख में कोई केराटोकोनस की प्रॉब्लम हो, या इतनी सारी और तरह की प्रॉब्लम्स हैं। देखिए जब हम चश्मा किसी का हटवाना चाहते हैं ना, तो हम ये चाहते हैं कि आंख में चश्मे के नंबर के अलावा और कोई प्रॉब्लम। जी। क्योंकि ये जो सर्जरी है ये मेनली कॉस्मेटिक है। जी। चश्मा पहनना कोई बीमारी नहीं है, चश्मे के साथ पूरी लाइफ निकाल सकते हैं। हम हटवा रहे हैं क्योंकि हमें कम्फर्ट चाहिए, जिसका नंबर ज्यादा है उसके लिए थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, क्योंकि डिपेंडेंसी खत्म। जी जी जी। लेकिन वी वॉन्ट कि चश्मे के नंबर के अलावा आंख में कोई और मेजर प्रॉब्लम। ज्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहते। जो डायबिटिक हैं वो भी ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं? ले सकते हैं, डायबिटीज शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। ओके। लेकिन डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं ना, इनको अक्सर ये बात पता नहीं होती, हाईलाइट कर देता हूँ पॉडकास्ट में। देखिए डायबिटीज आपके पूरे शरीर पे नुकसान डालती है। बिल्कुल। तो किडनी खराब हो जाती है, नर्व्स खराब हो जाती है, ऐसे ही डायबिटीज का असर हमारी आंख के पर्दे में भी आता है। ओके। उसको हम लोग कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। जी। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज है, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। और ओवरऑल हम लोग डेवलप नेशन में ऐसा देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अंधापन के कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटीज़ की वजह से पर्दे में खून आ गया। तो जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको अक्सर पता ही नहीं होता कि पर्दा भी खराब हो सकता है डायबिटीज़ से। तो डायबिटीज़ या शुगर के मरीजों को एक बारी अपना साल में पर्दा ज़रूर चेक कराना चाहिए। बेशक नज़र साफ हो, सब कुछ बढ़िया हो, फिर भी चेक करा लो, क्योंकि इतना माइनर चेंज आता है कि अक्सर जब आपको पता लगता है तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। और आंखों के जब नंबर की बात होती है, हम ये भी देखते हैं कि जैसे मैं अपनी ही बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा एक का 2.5 है, एक का 2 है, तो ये अलग अलग विजन में कमी क्यों है? नहीं नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है, यूजुअली ऐसे होता है 2-3 सेम क्यों नहीं रहता? ये मोटा मोटा सेम होता है, एग्जैक्टली सेम बहुत कम लोगों में मिलता है। जी। मेजोरिटी लोगों में मोटा मोटा बराबर। जी। एक में 5 है तो दूसरे में 5.5-6 है। बिल्कुल, ये हम देखते हैं बराबर। अगर ऐसा हो कि एक में 2 और दूसरे में एग्जैक्टली 2, बहुत सारे होते हैं 10-20% पेशेंट होते हैं, लेकिन कम होते हैं, यूजुअली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। नंबर जो बढ़ता है चश्मे का, उसका कारण क्या होता है मुख्य रूप से? वही आंख का साइज बढ़ना, लेंथ बढ़ गई, उसके दो ही दीपचा कारण है। हर कुछ टाइम के बाद बढ़ने, यूजुअली 18 साल तक, कभी कभी 20 साल तक, उसके बाद नंबर स्टेबल हो जाता है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप चश्मा पहन नहीं रहे तो ये बढ़ेगा, तो लगातार बढ़ेगा। तो बिना सर्जरी के भी क्या, अगर हम सर्जरी नहीं कराते हैं, सर्जरी से बहुत से लोग होते हैं कि डरते हैं, तो बिना सर्जरी के भी नंबर को रोका जा सकता है, स्टेबल करा जा सकता है एक टाइम तक के लिए? देखिए इसमें ना क्या होता है, एक बार आपकी 18 साल की उम्र क्रॉस होगी फिर तो वैसे अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा। जी। इसमें सारी रिसर्च ये हो रही है कि एक बच्चा जिसकी आँख में चश्मे का नंबर चढ़ रहा है, जी, क्या उसको हम रोक सकते हैं? जी। तो किसी का नंबर मान लीजिए 6 था, हाँ, तो क्या कोई तरीका है इसको कम कर दें, 2 या 3 पे रोक लें? तो अब ये भी तरीका है, तो इसको अच्छा। हम लोग कहते हैं मायोपिया कंट्रोल। मायोपिया का मतलब होता है वो लेंथ जो बढ़ जाए, माइनस नंबर आ जाए।
तो इसमें दो तीन तरह की चीज़ें हैं, और यूजली 16 साल के बच्चे हैं उनसे कम की उम्र में करते हैं जी। ये इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जैसे डाइल्यूटेड एट्रोपीन है, उसको डालने से नंबर बढ़ने से रुक सकता है। फिर एक स्पेशल तरह के चश्मे होते हैं जिनको मायो स्मार्ट ग्लासेस कहते हैं, थोड़ा सा पेरिफेरल रेटना को स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे भी नंबर बढ़ने से रुक सकता है। फिर हम उनको एडवाइस करते हैं भाई रिड्यूस मोबाइल कंप्यूटर, गो आउटडोर्स, सनलाइट में जाओ, और कुछ विजन थेरेपीज। तो इन सबको करके ना ऑलमोस्ट 60-65% तक चश्मा बढ़ने से रोका जा सकता है। कम भी कर सकते हैं, कम करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन है, बढ़ने से रोका, बढ़ने से रोक सकता है। अगर किसी का चश्मा 5 पहुंचना है तो उसको हम 2-2.5 पे रोक सकते हैं। और आपने ना बीच में हमें पॉडकास्ट में बात कर रहे थे आईज ब्लिंक को लेकर, एक हेल्थी आईज की जो होती है उसको कितना, 1 मिनट में ब्लिंक होनी चाहिए आईज? 1 मिनट में करीब 16-17-18 बार ब्लिंक होनी चाहिए। लेकिन जब आप मोबाइल कंप्यूटर में बैठते हैं ना जी, 8-9 बार ब्लिंक होती है, 8-9 बार रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए हमें 2020 का जो आपने फॉर्मूला बताया कि थोड़ा बहुत आप खुद ही ध्यान रखो कि आप ब्लिंक करो जी, या जो ब्लिंक नहीं करोगे ड्राई होगा तो लुब्रिकेंट डालो जी, दो तीन चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ये बहुत पुराना मिथ चला आ रहा है, an apple a day keeps the doctor away, तो इस पर आप अगर maybe for some reasons but it cannot be 100%। मतलब एप्पल क्या चीज है, एप्पल में विटामिन मिनरल्स हैं, अच्छी बात है बॉडी में विटामिन मिनरल जाएंगे, बट आप ये देखिए ना बॉडी की तो 1000 तरह की बीमारियां हैं, और वो सारी बीमारियां विटामिन मिनरल थोड़ी ठीक हो सकती है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन भी है, डॉक्टर अवे बट नॉट फॉर ऑल योर लाइफ, मे बी यू कैन गेट सम एडवाइस। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है डॉक्टर राहिल जी आपसे, आमतौर पे बहुत सारे डॉक्टर्स हम देख रहे हैं जो खुद भी चश्मा लगा रहे हैं बट वो अपना ऑपरेशन नहीं करते और को सजेस्ट करते हैं, ऐसा क्यों, उसके पीछे क्या रीजन? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ जी। मैक्सिमम लोग जिन्होंने चश्मा हटाया जी, दैट इज फ्रॉम द आई डॉक्टर्स कम्युनिटी एंड देयर चिल्ड्रन। मैक्सिमम जो एज अ पॉपुलेशन अगर हम बात करें, एज अ ग्रुप बात करें, तो सबसे ज्यादा जिस ग्रुप ने चश्मा हटवाया है एक पॉपुलेशन है, वो आंखों के डॉक्टर हैं या उनके बच्चे हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये सर्जरी को नाम सर्जरी है, नथिंग लाइक अ सर्जरी, इट्स अ सिंपल 5 मिनट प्रोसीजर विद सिंपल फिजिक्स की, थोड़ा सा हमने कॉर्निया की शेप को चेंज कर दिया और नंबर हट गया। ओके, एंड इट इज रिलायबल, इट इज इफेक्टिव, इट इज बीन देयर फॉर 30 इयर्स। 30 साल में हम देख चुके हैं कि टेक्नोलॉजी रिलायबल है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है, शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सबसे ज्यादा पता ही हमें, तो सबसे ज्यादा यूज ही हम करते हैं। बट अगेन यू विल फाइंड सम पीपल जो नहीं हटवाते, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये घूम फिर के ना कॉस्मेटिक चॉइस है। जी। तो इट इज समथिंग लाइक हर बंदा हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करा रहा, हर बंदा बाल कलर क्यों नहीं करा रहा, हर बंदा टैटू क्यों नहीं करवा रहा। जी। आजकल वो आ गए हैं बहुत सारे, फेस बोटॉक्स आ गए हैं, फूल जाते हैं, यंग हो जाते हैं, व्हाई एवरीबॉडी नॉट गेटिंग इट। दैट इज दिस सर्जरी इज बेसिकली अ कॉस्मेटिक सर्जरी। बिल्कुल राहिल जी, अब मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ही रिलेट करेगा, वो ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस टाइम, लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि आईज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो सवाल मिथ थे वो आज एकदम क्लियर हो चुके। कंसल्टेंसी का प्रोसेस क्या है डॉक्टर राहिल चौधरी जी से मिलने का? कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक नंबर है अपना कॉल सेंटर का, उसमें कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लेना और आके मिल लेना। तो एक अपॉइंटमेंट मैं अभी से बुक कर देता हूँ, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा 4-5 दिन पहले ले लेना ताकि अपना सूटेबल टाइम पे मिल जाए। बिल्कुल, तो ये पॉडकास्ट बेहद इंटरेस्टिंग रहा दर्शकों, क्योंकि इसमें आज हमने बात करी आपकी आंखों को लेकर कि आखिरकार इन आंखों को और ज्यादा खूबसूरत कैसे बनाया जाए। तो डॉक्टर राहिल चौधरी जी ने हमें बताया कि हमारी जो ये आंखें खूबसूरत कैसे बने, उनका ख्याल हमें कैसे रखना है। तो आपका बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आप हमसे जुड़े, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, माय प्लेजर। तो दोस्तों ये पॉडकास्ट आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं डॉक्टर राहिल चौधरी जी से तो उसके लिए भी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।